सत्संग हमें क्यों सुनना चाहिए, सत्संग के हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसी विषय पे आज मैं वीडियो लाया हूँ। मेरा नाम राहुल है, दानपुंज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप अंत तक देखेंगे। जब यह वीडियो आप अंत तक देखेंगे, जब भी इस वीडियो का उद्देश्य आपको समझ में आए। एक बार एक संत हजारों की भीड़ में सत्संग कर रहे थे। जब एक व्यक्ति ने महाराज से उठ के पूछा कि हमें सत्संग क्यों सुनना चाहिए, महाराज ने बोला कि हमारे जो जीवन में कर्म होते हैं उनके अनुसार ही हमें फल मिलता है। उस व्यक्ति ने बोला कि जब हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है तो मैं सत्संग में क्यों हूँ, फिर सत्संग में आने का क्या मतलब है। संत ने बोला कि आप एक ईंट उठाओ और उसको ऊपर छत पे चढ़ के मेरे सिर पे मार दो। उस व्यक्ति ने बोला कि गुरुजी इससे तो आपके चोट लग जाएगी और बहुत ज्यादा पीड़ा होगी। फिर संत ने बोला कि आप इस ईंट के बराबर, इसके ईंट के वजन के बराबर एक रुई का गट्ठर बनाओ और ऊपर छत पे जाके उसे मेरे सिर पे फेंक दो। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ऐसा करने से आपको उतनी चोट नहीं लगेगी और उतनी पीड़ा नहीं होगी। महाराज जी ने बोला कि सत्संग से जुड़ने का महत्व यही है कि आपके जीवन के जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, जो आपके जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आता रहता है। कुछ दिन खुशी होती है तो कुछ पल में बहुत सारे गम भी हो जाते हैं। तो जीवन इसी का नाम है, सुख और दुख। तो सत्संग में जुड़ने का उद्देश्य और मतलब स्पष्ट था कि हमारा मन, हमारी पीड़ा और हमारा दर्द, ये सब चीजें हमें ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत हल्का महसूस होता है। इसलिए बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग से जुड़ना चाहिए, अच्छी बातें लेनी चाहिए। जो सत्संग में आपको अच्छी बातें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, वो अपने जीवन में उतारनी चाहिए और अपने घर परिवार, रिश्तेदारों के लोगों के बीच में भी उन बातों को साझा करना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाई थी कि ये एक इस कहानी के द्वारा एक अच्छी सीख आप तक भी पहुंचे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें। फिर बहुत जल्द मिलेंगे एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। जब तक आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।